नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन SBI.com के माध्यम से किस तरीके से अपने रिलेटिव्स को या अपने बच्चों को विदेशों में पैसा भेज सकते हो, बहुत ही आसान और कन्वीनियंट तरीके से। अब आपको खामखा मनी एक्सचेंजरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर ही आप विदेश में अपना पैसा भेजिए। हमें विदेश में पैसा भेजने की ज़रूरत पड़ती है अपने किसी रिलेटिव को, या कोई भी हमारे बच्चे अगर यदि फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं तो उनको, तो ये जनरली NRIs को जब भी आपको रिमिट करना होता है। देखिए, अभी प्रेजेंटली आप 6 करेंसीज में अपना पैसा रिमिट कर सकते हैं अब्रॉड: US डॉलर, पाउंड, यूरो, सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इन 6 करेंसीज में आप अपना पैसा रिमिट कर पाएंगे। देखिए, RBI ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस करी हुई हैं, जैसे कि आप एक दिन में कम से कम मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं, और अगर आप साल भर की बात करें तो सारे साल भर में जितना भी आप रिमिट करेंगे ओवरऑल अपने एक अकाउंट से, आप $2,50,000 पर ईयर मैक्सिमम अमाउंट भेज सकते हैं फेमा और RBI की गाइडलाइन के तहत। जब भी आप ऑनलाइन SBI.com के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी एक फ़ीस लगती है, जो फ़ीस आप ये समझिए कि $10 के आसपास आपको लगेगी। आप चाहे $50 का ट्रांजैक्शन करें, चाहे $1,000 का ट्रांजैक्शन करें, जो मिनिमम जो रिक्वायर फीस है वो $10 के करीब है, उतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जब भी आप ऑनलाइन SBI के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 स्टेप्स रहेंगी। पहली स्टेप्स तो रहेगी कि आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, विदेश में जो भी आपका व्यक्ति है जिसको पैसा भेजना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी एक्टिवेट होने के बाद आप उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब आप अपना पैसा भेज सकते हैं। जब भी आप बेनिफिशियरी ऐड करें तो आप कुछ डिटेल्स उसकी अपने साथ रखें, जैसे कि मैंने ये देखी विक्की मीडिया को एक ट्रांजेक्शन किया है, तो विक्की मीडिया की जो भी डिटेल्स हैं अकाउंट की, जो कि US का अकाउंट है, डॉलर का है, उसका स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर और किस सिटी या फिर किस कंट्री का है, वो सब डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से ऑनलाइन SBI.com में इंटरनेशनल बेनिफिशरी ऐड करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही कन्वीनियंट और इजी बनाया। आइए हम लाइव डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिमिट करेंगे फॉरेन में। आपको सबसे पहले ऑनलाइन SBI.com को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, फिर आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपके सामने पहली विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर आपको पेमेंट एंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर जाना है। उसके अंदर तब आप जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर पहले ऑप्शन पे फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र रिमिटेंस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अप्लाई नाउ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, आप उनको बिल्कुल केयरफुली पढ़कर, अगर आप सहमत हैं तो टिक कर आप प्रोसीड की बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप प्रोसीड की बटन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे कहेगा कि आपने कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है, आप सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करें। तो आप क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे आपका प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड अपने पास ही रखिएगा। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट की बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में आप रिमिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यूनाइटेड स्टेट में रिमिट करना चाहता हूं, और फिर इसके बाद मुझे करेंसी जिस करेंसी में मैं रिमिट करना चाहता हूं, बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मेरे पास विक्की मीडिया को मुझे रिमिट करना है, कुछ डोनेशन देना है, तो मैं उसकी अकाउंट की सारी डिटेल्स अपने पास रखूँगा और एक एक डिटेल्स इसके अंदर फीड करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पर मुझे अकाउंट नंबर फीड करना है, मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर फीड कर दूंगा। फिर उसकी अगली स्क्रीन पर यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 2 बार अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा ताकि अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे पता चल जाए। इस तरीके के से ये बाकी की सारी फील्ड्स हैं, ये सब एक एक करके आपको फिलअप करनी है। अब यहाँ पर आपको नाम फिलअप करना है, जैसे मैं विक्की मीडिया
मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, ये सारी डिटेल्स वगैरह आप धीरे धीरे करके फिलअप कर लेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब। फिर आपको नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप अपना स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, इनपुट स्विफ्ट कोड। यहाँ पर मैं स्विफ्ट कोड डाल दूंगा तो मैं गेट डिटेल करूँगा तो कुछ की डिटेल्स आ जाएंगी कि यूनाइटेड स्टेट का है, सिटी बैंक में, न्यूयॉर्क में। फिर मैं रजिस्टर की बटन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर मैं एक बार अपनी रिव्यू कर सकता हूँ, अगर कुछ गलती नहीं हुई हो तो मैं कंफर्मेशन की बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मुझे ये वाला बेनिफिशरी अप्रूव करना होता है। अप्रूव करने के लिए मैं अप्रूव की जो बटन दिख रही है मैं वहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सिस्टम मुझसे मेरा प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, जो कि प्रोफाइल पासवर्ड जो मैंने पहले बता रखा है कि आपको हाथ में ही रखना है, बिना प्रोफाइल पासवर्ड के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करके सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा। फिर मेरे सामने लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से पेंडिंग बेनिफिशरी है जिनको मुझे अप्रूव करना है। ये विकीमीडिया आ गया, यहाँ पर मैं डिटेल्स करूंगा, फिर मैं अप्रूव की बटन पे क्लिक करूंगा तो एक ओटीपी मेरे मोबाइल पर आएगा। वह ओटीपी मुझे यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ओटीपी आएगा बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। एक चीज ध्यान रखें आप, तब ये बेनिफिशियरी ऐड होने में कम से कम 4 से 6 घंटे लगते हैं। आप कंफर्मेशन की बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर यह लिखा आ जाएगा कि अब आपका बेनिफिशियरी एडिंग वाला प्रोसेस में है। तो इसको कम से कम 4 से 6 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार तब ये एक्टिव हो जाए आपका बेनिफिशरी, तो उसके बाद आप फॉरेन रिमिटेंस आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।